स्नानं समर्पयामि, दुग्धं स्नानं समर्पयामि, शिवाय नमः, तांबूलं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में करते समय लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं। इस शिव जी की पूजा वो उनके सामने से करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है, क्योंकि शिव पुराण में ये विशेष तौर पर वर्णन मिलता है कि भगवान शिव जी की पूजा उनके सामने से नहीं करनी चाहिए, जलहरी की तरफ रहकर नहीं करनी चाहिए। जैसा कि शिव पुराण में भगवान शिव जी की पूजा से संबंधित बहुत से विधि विधानों का वर्णन किया गया है, उन्हीं में ये वर्णन मिलता है कि शिव जी की जो जलहरी होती है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, इसलिए हमेशा हर मंदिर में जो है शिव जी की जो जलहरी होती है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखी जाती है। और जब हम जलहरी की तरफ रह करके पूजा करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है यम की दिशा मानी जाती है, यमराज की दिशा मानी जाती है। किसी भी शुभ कार्य की पूजा जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं की जाती है, इसलिए हमेशा हमें जो है भगवान भोलेनाथ के बगल में रह करके, यानी कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा का क्या सही तरीका होता है, क्या विधि विधान होते हैं, किन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हम कई व्रत करते हैं, मुझे कई कमेंट आते रहते हैं कि हमने 16 सोमवार व्रत कर लिए, हमने इतने व्रत कर लिए, हमने ये साधना ये ग्रंथ पाठ कर लिया, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो देखिए, जब भी हम किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हर एक विधि विधान नियमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ी भी नियमों में त्रुटि हुई तो हमारी मनोकामना पूर्ति नहीं होती, कभी कभी बहुत बाधाएं आती हैं या फिर मनोकामना जो है देरी से पूर्ति होती है। और अगर हम भक्ति भाव से करते हैं तब तो हमें कुछ भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भक्ति भाव एक अलग विषय होता है। भक्ति भाव से तो भगवान ने विदुर जी के घर में केले के छिलके भी स्वीकार किए हैं, तो भक्ति भाव एक अलग विषय है। लेकिन जब हम सकाम भाव से भगवान की पूजा करते हैं एक एक नियम को ध्यान में रखनी, क्योंकि फीस तो भरनी पड़ती है चाहे कुछ और करें, जब हम भगवान को शक्ति के रूप में देख रहे हैं तो फिर विधि विधान तो पूरे करने ही पड़ेंगे। चलिए जानते हैं मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा का क्या सही तरीका होता है। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसी तरह से पूजा पाठ से जुड़े वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, क्योंकि जो भी मैं शास्त्रों और ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ वही शुद्ध जानकारी आपको उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पे आके देखिएगा, बहुत से व्रत बहुत से ग्रंथों से जो भी जानकारी मिलती रहती है आपसे शेयर की हुई हूँ। तो चलिए, मैं भी स्थान बदल लेती हूँ, इसके बाद मैं कुछ विशेष नियम बताने वाली हूँ जिनको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इस तरह से जो है हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो है बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की जलहरी उत्तर दिशा की ओर होती है, तो मैं भी जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गई हूँ। दिशा की जानकारी तो हमने जान ली, इसके अलावा भी जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में करने जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि घर में तो जब हम पूजा करते हैं तो पवित्रकरण और आचमन कर लेते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, लेकिन मंदिर में ये चीज संभव नहीं हो पाती है कि हम वहां पर जो है आसन बिछा करके अपने आप को पवित्र करें, आचमन इत्यादि करें। तो इसके लिए हर एक मंदिर में ये व्यवस्था होती है जल की, वहां पे नल लगा होता है, पानी निकलता होता है, तो वहां से आप जो है अपने पैर जरूर धो लिया करें, अपने हाथ जरूर धो लिया करें। भले ही हम घर से स्नान करके जाते हैं, चप्पल पहन के कभी कभी जाते हैं, या फिर हाथ में हमने बैग लिया है, कुछ भी लिया है, तो हाथ बहुत ही शुद्ध होने चाहिए। देखिए, मंदिर में जो भगवान विराजमान होते हैं वो एक शक्ति पुंज के रूप में होते हैं। जैसे कि आप एक बिजली के तार से उदाहरण ले सकते हैं जिसपे रबर ना लगा हुआ हो, तो अगर आप उसको छुएंगे तो करंट मार देगा। इसी तरह से एक शक्ति पुंज के रूप में भगवान विराजमान है, वो एक शक्ति के रूप में है, तो हमें उन्हें ऐसे ही स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनकी स्पर्श के लिए जो है हमें अच्छी तरह से शुद्ध होना आवश्यक होता है। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं तो चरण जरूर धो लें अपने, और हाथ वगैरह धो लें, आचमन नहीं कर सकते तो कुल्ला कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप मंदिर में प्रवेश करके और उनकी पूजा करें। तो यहाँ पे जो जैसे कि घर का मंदिर है तो मैं आचमन कर सकती हूँ, तो मैं आपको आचमन करके बता देती हूँ। तो कुश की मदद से जैसे कि पवित्रीकरण किया जाता है और इसके बाद आचमन किया जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत पुनरेकाच्छ सभाभ्यंतरः सूचिः। इसके बाद मैं आचमन कर लेती हूँ। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चौथी बार जो है वो है ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए जो है
हाथ धो लेना चाहिए। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर पूजा विधि शुरू करनी चाहिए। अगर हम घर में हैं, घर में नहीं है तो मैंने बताया कि बाहर नल की व्यवस्था होती है पानी की, वहां पे आप अच्छी तरह से हाथ पैर धो लें फिर अंदर जाएं। चलिए पूजा विधि भी करके दिखा देती हूँ, उसमें भी बहुत से नियम ध्यान में रखने होते हैं। जैसे हम किसी व्रत इत्यादि की पूजा करते हैं तो भगवान श्री गणेश की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले व्रतों के विघ्नों को दूर करने के लिए या फिर कोई भी अनुष्ठान जो भी हम करते हैं तो उनके विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का पूजन आवश्यक है। सबसे पहले हम श्री गणेश को जल अर्पित कर देंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद हम शिव जी को जल अर्पित करेंगे। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। जय नंदी महाराज, ओम शिवाय नमः। दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले श्री गणेश का दुग्धम स्नानम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः। दुग्धम स्नानम समर्पयामि, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। हरेक अभिषेक के बाद जल से स्नान अवश्य करवाना चाहिए। शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। दूध से स्नान कराने के बाद जो है हम भगवान का दही से अभिषेक करेंगे। ओम गंगणपतये नमः, दधि स्नानम समर्पयामि। ओम शिवाय नमः, दधि स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि। ताकि ये जो जलहरी होती है ये माता गौरी का स्वरूप मानी जाती है और शिवलिंग भगवान शिव जी के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं, तो शिवलिंग में माता गौरी के साथ ही भगवान भोलेनाथ का पूजन संपूर्ण हो जाता है। जय नंदी महाराज। अब हम जो है घी से भगवान का अभिषेक कराएंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम शिवाय नमः। घृतम स्नानम समर्पयामि। सभी प्रकार के अभिषेक के बाद पुनः एक बार अच्छे से जल से भगवान को अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। ओम शिवाय। अब हम जो है शहद से भगवान का अभिषेक कराएंगे। ओम मधु स्नानम समर्पयामि, शिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। ओम हर एक अभिषेक के बाद शुद्धोदक स्नान अवश्य करना, गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। जल से भगवान को अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। ओम शिवाय। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो आप कच्चे सूत की फेरी लगा के वस्त्र की भावना से अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वस्त्र की भावना जरूर करनी चाहिए। वस्त्र के बाद जो है भगवान को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। श्री गणेश को भी जो है हम वस्त्र के स्वरूप इस तरह से मौली धागा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास वस्त्र हो तो आप वस्त्र अर्पित करें मौली महाराज। वस्त्र के बाद जो है भगवान को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कोई मुख्य पूजा है जैसे कि सोमवार आप शुरू कर रहे हैं या फिर व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आप भगवान को जो है यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करें। श्री गणेश को तो हल्दी चंदन लगाया जाता है, लेकिन वह का विशेष ध्यान रखेंगे। भगवान भोलेनाथ को हल्दी सिंदूर कभी नहीं लगाया जाता है। तरह से आप चंदन की डली ले सकते हैं या फिर आप जो है अष्टगंध चंदन आता है उसे घिस सकते हैं और फिर जो है आप भगवान का श्रृंगार करें। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। ये भस्म का श्रृंगार भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इस तरह से मैं भस्म लगा दूंगी। भस्म अगर आप भगवान के पूरे शरीर में लपेट दें तो वो भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसके बाद हम भगवान को जो है इत्र अर्पित करेंगे। भगवान को इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। इस तरह से रुई में लगा करके जो है इत्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस तरह से भगवान को इत्र अर्पित जरूर करें। तरह से अक्षत अर्पित करना चाहिए। चने की दाल अर्पित करना चाहिए, चने की दाल। इसके बाद अब हम भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र का सीधा भाग जो है भगवान की तरफ होना चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। बेलपत्र अर्पित करने का विशेष नियम होता है। ये जो जिस तरीके से जिस साइड से जो है बेलपत्र पेड़ से जुड़ा होता है उसको हमको ये तोड़ देना चाहिए। ये जो है इस तरह से डंठल जो है नहीं लगे होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये और चिकना भाग जो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किया जाता है। बेलपत्र अर्पित करने का तरीका जो है विशेष होता है।
हर बार जो है ओम शिवाय नमः का जप अवश्य करते रहें। तो पुष्प अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को हम मदार का पुष्प अर्पित करेंगे। धतूरे के फूल भी भगवान शिव शंकर को अत्यंत प्रिय होते हैं, धतूरे के पुष्प अर्पित करेंगे, पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। गलहरी में हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान को धतूरा अत्यंत प्रिय होता है तो धतूरा उन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम धूपबत्ती जलाएंगे। ओम नमः शिवाय निरंतर जाप करते हुए आप धूप दीप करें और फिर जो है हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद कुश की मदद से नैवेद्य में तीन बार जल जरूर फेरें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे नैवेद्य स्वीकार करें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो हम दीपक प्रयोग में लाते हैं, इस दीपक का मुख भी जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से दीपक रख देंगे तो ये दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक पितरों के लिए रखा जाता है। और साथ साथ नरक चतुर्दशी के दिन भी आपको याद होगा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक रखा जाता है यमराज के लिए, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी दीपक भी ना रखें। और आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करें कि पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए भगवान आपको क्षमा करें। अपनी मनोकामना मांगें, शत शत कोटि कोटि प्रणाम करें भगवान को। और एक बार चैनल पर ज़रूर आएँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ देती रहती हूँ नियमों से संबंधित। और आप मुझे कमेंट में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।